नाउ सी हियर, थोड़ा ध्यान से सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, पिछले साल के 10 साल के पेपर अगर आप निकालेंगे, पिछले प्रीवियस, तो आपको 10 में से 8 पेपर में क्वेश्चन मिलेगा एरोमेटिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है ये देखेंगे हम यहाँ पर, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। जरा ध्यान से सब लोग, फुल कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा मैं, जो पहले नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, उनको भी समझ में आएगा। सिर्फ कंडीशन है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए जो पहला कंडीशन है वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है एरोमेटिक के लिए वो है कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए? और कॉन्जुगेशन भी कौन सा कॉन्जुगेशन? परफेक्ट कॉन्जुगेशन। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन इसकी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है प्लेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन होती है 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए। 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं हकल्स रूल, ये नेम है, ठीक है, हकल्स रूल। ये कंडीशन जिसके पास है वो एरोमेटिक रहेगा। एंटी एरोमेटिक में 3 कंडीशन सेम है, एक कंडीशन चेंज है। साइक्लिक होना चाहिए, यस, पहला कंडीशन सेम साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कॉन्जुगेशन चाहिए, कॉन्जुगेशन परफेक्ट होना चाहिए। नंबर 3 प्लेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है यहाँ पर 4n pi इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉट प्लस 2, 4n pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं एकदम बेसिक से एग्जांपल्स लेते हुए चलूंगा, सब लोग जरा ध्यान से देखने का, फुल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओके। देखो यहां पर एग्जांपल नंबर 1 में यहां पर लेता हूं, जरा देखिए आप लोग, ये है साइक्लोप्रोपेन। कौन है ये? साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस कहां पर होता है? सिंपली आप ऐसे याद रखो इसको, जहां पर, अभी बेसिक लेवल पे बता रहा मैं आपको, और कंडीशंस आगे बढ़ेंगे। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है यहां पर? या फिर पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन। मैं जब भी बोलूंगा पाई बॉन्ड तो इसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सब लोग इधर ध्यान से, पाई बॉन्ड के साथ क्या चाहिए? पाई बॉन्ड विथ अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब पाई बॉन्ड के साथ में अल्टरनेट पे कौन होना चाहिए? या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। ये कंडीशन जहां पर रहेंगी वहां पर होता है कॉन्जुगेशन, जिसको हमने रेजोनेंस नाम से पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, याद है आपको? एक पाई बॉन्ड आगे मूव होता है तो आगे के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पाई बॉन्ड आगे चला जाता है, याद है आपको? ये अल्टरनेट रहे तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिस्टम, ठीक है। चलो वन बाय वन, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको? नॉन एरोमेटिक। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू, यहां से हमने एग्जाम्पल शुरू किया है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, अब साइक्लोप्रोपेन नहीं ले रहे हम, डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोप्रोपीन। कौन है ये?
साइक्लोप्रोपीन को देखो आप, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई। अब एक पाई बॉन्ड आ गया मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। लेकिन इसके अल्टरनेट पोजीशन पर आगे कोई भी नहीं है ना, अच्छा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना लोन पेयर है, कोई नहीं है। और ना पाई बॉन्ड है, तो यहां पर इसलिए कंडीशन फेल हो गई कॉन्जुगेशन की। समझा? पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए यह भी क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, एक्चुअल एरोमेटिक का कंसेप्ट कहां से आया था? जो कंपाउंड में स्मेल आती थी, फ्रेग्रेंस, तो उसको बोलते थे एरोमा, मतलब फ्रेग्रेंस, तो उनको नाम दिया एरोमेटिक। बाद में डिस्कवरी होती गई तो पता चला जितने कंपाउंड्स में से स्मेल आता है उन सब में बेंजीन रिंग है, तो फिर चेंज किया कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे बेंजीन नहीं है लेकिन उसमें स्मेल आता है, तो फिर साइंटिस्ट ने एक सिस्टमेटिक जो है इस तरह से एरोमेटिक को डिफाइन किया है। समझा आपको? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेन एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड वाला जरा ध्यान से देखिए, यह भी साइक्लोप्रोपीन है लेकिन साइक्लोप्रोपीन में यहां पर क्या किया है मैंने? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब यहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ है, और हाइड्रोजन लॉस हुआ तो अब साइक्लोप्रोपीन का ई हटकर क्या लग जाएगा? वायल। जैसे अल्केन हाइड्रोजन लॉस के तो क्या बनता है? अल्काइल। तो ये क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपीनिल, प्रोपीनिल ना, और प्लस चार्ज रहा तो क्या बोलते हैं? कैटायन। तो इसका नाम बन गया साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन। हाइड्रोजन लॉस हो तो वायल लगाते ना, साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन। अब देखो कॉन्जुगेशन होगा, अल्टरनेट है ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, अल्टरनेट है पूरे। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्जुगेशन। ये परफेक्ट कॉन्जुगेशन है लेकिन पाई बॉन्ड कितना है? एक, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो ये रूल को फॉलो करता है या नहीं, चलो चेक करते हैं। पहले 4n प्लस 2 यानी हकल्स रूल। क्या लाए तुमने ये हकल्स रूल? हकल्स रूल, हकल्स रूल ये वाला, ये है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो n मतलब इंटीजर, ये आपको याद रखना है, n मतलब 4 इंटू 0 प्लस 2 2 कितना आता है? 2 ना। 4 इंटू 1 प्लस 2 6, 4 इंटू 2 प्लस 2 4 इंटू 3 प्लस 2 4 इंटू 4 प्लस 2 18। इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेंगे वो एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रूल है? एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 0 4 इंटू 1 4 इंटू 4 कौन है वो 1, 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4 इतने इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेंगे वो एंटी एरोमेटिक रहेगा। चलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है, किधर आएगा? अरे बोलो ना, क्या बनेगा? एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेन है, कॉन्जुगेशन है और रूल भी फॉलो कर रहा है, इसलिए दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। ये कौन रहेगा? एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों को याद रखो आप, तीनों को याद रखो अच्छे से। हाँ, ये एंटी एरोमेटिक के लिए, किसके लिए? ये एंटी एरोमेटिक के लिए। चलो जरा आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल जरा ध्यान से देखो। साइक्लोब्यूटेन, ये तो एरोमेटिक नहीं रहेगा, सबको पता है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर एक बॉन्ड लगा दिया यानी साइक्लोब्यूटीन, बताइए साइक्लोब्यूटीन रहेगा एरोमेटिक? ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। रीजन, रीजन बोलो ना। अरे कॉन्जुगेशन नहीं है ना परफेक्ट, अल्टरनेट चाहिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं आया ना, न प्लस चार्ज आया ना लोन पेयर है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। कौन ही है? नॉन एरोमेटिक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। एग्जाम्पल कितना? 4। अब एग्जाम्पल 5,
दो डबल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोब्यूटाडाइन। दो डबल बॉन्ड रहा तो डाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब बोलो साइक्लिक है? हाँ। कॉन्जुगेशन परफेक्ट है? यह ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरे अल्टरनेट है, प्लेन भी है। अब पाई बॉन्ड कितने? दो पाई बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो चार बोले तो अकल में एरोमेटिक में आएगा क्या एंटी एरोमेटिक में आएगा? एंटी एरोमेटिक में आएगा, इसलिए इसका नेचर क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू में, इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 6। ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नहीं भी आए और माइनस चार्ज आया, समझ जाना दो इलेक्ट्रॉन है वहां पर, इनको भी पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अल्टरनेट है ना। चलो बताओ साइक्लिक है? कॉन्जुगेशन परफेक्ट है? पूरे अल्टरनेट है ना। हाँ। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, दो। ये पाई बॉन्ड एक, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन, ये दो चार, ये दो सिक्स हो गए ना। सिक्स किधर आता है? एरोमेटिक। अच्छा, इसका नाम भी लिख लेंगे ना, साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन, दो एनायन है ना, डाई एनायन, क्या बोलते हैं इसको, तो इसका नेचर क्या रहेगा, एरोमेटिक। कौन है ये? एरोमेटिक। अच्छा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, लेकिन ये बेंजीन नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे इनको, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। और होमोसाइक्लिक भी है ना, सिर्फ कार्बन 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 है, इसलिए क्या बोलेंगे पूरा नाम, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। समझा? नेक्स्ट एग्जांपल और थोड़ा सा ध्यान से देखो सब लोग, नंबर 7। दो डबल बॉन्ड है, पांच कार्बन है, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लिक है, पांच कार्बन इसलिए पेंटा है, दो डबल बॉन्ड इसलिए डाइन, डाइन मतलब दो डबल बॉन्ड। समझा आपको? हाँ। बताओ साइक्लिक है? कॉन्जुगेशन परफेक्ट है? नो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन आगे दो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। समझा? चलो अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, नंबर 8। अब इधर लगाया प्लस चार्ज, मतलब हाइड्रोजन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुआ। नाम बोलो पहले, साइक्लोपेंटाडाइनिल। हाइड्रोजन क्या है ना, कैटायन, कैनायन, कैटायन प्लस। अब बताओ साइक्लिक है? कॉन्जुगेशन परफेक्ट है? है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, है ना अल्टरनेट। नहीं, कौन बोला वो, तोबा करो तोबा। हाँ, इधर देखो सब अल्टरनेट है। हाँ, चलो पाई बॉन्ड कितने, दो, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, चार, चार बोले तो इधर क्या, इधर एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्या बन गया ये, एंटी नहीं एंटी एरोमेटिक, कौन है ये, एंटी एरोमेटिक। हाँ, कौन नींद में वो, चलो थोड़ा ध्यान से, ये कौन लेडीज इधर बात कर रहे हैं। हाँ, डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया, तब भी समझ जाना वहां दो इलेक्ट्रॉन है। चलो साइक्लिक है? कॉन्जुगेशन परफेक्ट है? अरे है ना, इन लोगों को ऐसा मिर्ची का धुआं देना छीके आना अच्छी तो दिमाग खुलेगा, ठीक है। अरे इधर देखो, पूरे कॉन्जुगेशन सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस चार्ज। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, दो दो दो, सिक्स, सिक्स बोले तो पहले नाम साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, कौन है ये,
एरोमैटिक, ये एरोमैटिक है। चलो अब इसको तो आप बचपन से जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इसको कोई अगर भूल गया तो उसको तो सजाए मौत। बेंजीन, बेंजीन को गिनने की जरूरत है? एरोमैटिक। अब इसको हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमैटिक। अब बेंजीन को बेंजेनॉइड नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? सिंपल से आदमी को आदमी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अरे समझा गया? हाँ, सब लोग साइलेंट, कॉन्सेंट्रेशन, मैंने कहा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, चलो 11 नंबर, अप्लाइड एप्लीकेशन, साइक्लोहेक्साडाइन, या बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1,4-diene भी बोल सकते हैं इसको। यस सर, 1 पे डबल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड। खैर नेमिंग तो आगे आएगा, नो टेंशन, अपन वो बाद में करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, जिसको नेमिंग में प्रॉब्लम है टेंशन मत लो, आगे आने वाला है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बोलो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो बस, तो बस, तो बस, तो हाँ पप्पू आंसर एक बार देना, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ना। अरे आपको ऐसे बोलेंगे तो वो गाड़ी आएंगी सफेद कलर की, वाह फटाक लग जाएंगी। ठीक है, घाटी इधर देखो सब लोग, ये अल्टरनेट नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नो कॉन्जुगेशन, परफेक्ट, नॉन एरोमेटिक। कौन ही है? नॉन एरोमेटिक। चलो इसको तो आप बचपन से जानते हैं, नंबर नेफ्थलीन, दो रिंग फ्यूज हो गए, इसको फ्यूज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो गए, मतलब दो कॉमन कार्बन है, इनको नेफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? और नेफ्थलीन क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक। अंदर के पाई बॉन्ड गिनो कितने? पाई बॉन्ड कितने? 1, 2, 3, 4, 5, इतना भी काउंट करना नहीं आ रहा है। पाई बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन बोले तो एरोमेटिक। ठीक है, चलो आप जरा ध्यान से एक और एक सिंपल वाला, 13, एंथ्रासीन, एंथ्रा 1, 2, 3, इसमें तीन बेंजीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज है, तीन रिंग, पाई बॉन्ड कितने हैं अच्छे से गिनो? 7, पूरे अल्टरनेट है, यस पूरे अल्टरनेट है, 7 है मतलब 14 मिले तो कौन? एरोमेटिक। आप कितना भी जोर से बोले तो आंसर वही रहेगा ना, तो आराम से बोले, थोड़ा सा ज्यादा चीख बोलने से मार्क्स नहीं बढ़ते। इधर देखो, हाँ अब हेट्रोसाइक्लिक में आ रहे हैं, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर एग्जाम्पल, थोड़ी अपन कंजूसी करेंगे, जगह अतिक्रमण, इसका नाम पायरोल है, कल ही देखा हमने, यहां हाइड्रोजन होता है, नहीं भी लिखा तो समझ जाना। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन लोन पर के साथ है, अब कॉन्जुगेशन बराबर, कॉन्जुगेशन भी परफेक्ट है, आप फटाक से पहचान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को भी काउंट करते ना, 6, दो बॉन्ड मतलब 4, और ये दो 6 मतलब कौन? तो इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। शॉर्ट में एस लिखे तो चलेगा? कौन गधा है वो पैर मार रहा है, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो, इधर, हाँ हेट्रोसाइक्लिक शॉर्ट में लिखो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक।
इसका नाम याद कर लिए क्या? पायरोल। क्या नाम है इसका? पायरोल। ए इब्राहिम इधर। पायरोल कौन है ये? पायरोल। नंबर 15, ये है फ्यूरेन। अब आपको दो लोन पर दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह दो लोन पर रहे तो एट अ टाइम एक ही आता है कॉन्जुगेशन में, इसलिए आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन आठ नहीं छह ही गिनना पड़ेंगे। समझा आपको? दो एक साथ आए तो एक ही आता है कॉन्जुगेशन में, मतलब कौन है ये भी? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है? फ्यूरेन। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट, फ्यूरेन हो गया। नंबर 16, इसका नाम है थायोफीन। बोलो ये क्या रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। थोड़ा आवाज कम करो, कहाँ है वो आवाज? थोड़ा कम, हाँ ठीक है। इधर देखो, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, थोड़ा नया एग्जाम्पल आ रहा है। वैसे ये वाला भी हुआ है 17, इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है इसका? पाइरिडीन। बोलो जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड साथ में आते हैं तो कॉन्जुगेशन में कोई एक पार्टिसिपेट करता है, मतलब लोन पेयर नहीं आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। मतलब कितने पाई बॉन्ड है? तीन पाई बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? सिक्स। तो सिक्स बोले तो एरोमेटिक, इसलिए इसका भी नेचर क्या रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अब थोड़ा सा और ध्यान से, नंबर 18, इसका नाम है क्या हो गया? हाँ अभी किधर है अपना? बराबर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा ना? पूरा दिख रहा है बराबर? ओके ठीक है, चलो यहां तक बराबर है। इसका नाम है पिरिमिडीन। क्या नाम है इसका? ये आपको बायोलॉजी में भी आने वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसलिए इसको याद करना है। पूरे मॉलिक्यूल्स आपको बायो में भी आएंगे, और केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, तो उसमें भी आएगा ये, ठीक है। इसका नाम है पिरिमिडीन। क्या नाम है इसका बताओ? एरोमेटिक है क्या एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक। लोन पेयर को काउंट नहीं करने का, पाई बॉन्ड लेने का, क्योंकि दोनों एक जगह पर है ना। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे। इधर देखो, एक जगह एक छोटी सी पोयम थी, बताया था मैंने आपको, नानी की दुआ। नानी की दुआ थी, इकबाल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, इसलिए लिहाजा आज वो गवर्नमेंट ड्राइवर है। नानी की दुआ थी कि जमील पैसों में खेलता रहे, इसलिए वो आज बैंक अकाउंटेंट है। नानी की दुआ थी शकील सदा मुस्कुराता रहे, तो आज वो पागल खाने में है। समझा आपको? तो आप में से किसी ने दुआ तो नहीं लिया ना ऐसी? तो ऐसे इधर देखो, ठीक है। खुश रहना अलग चीज है, और हमेशा हंसते रहना अलग चीज है, हमेशा दांत बताना अलग चीज है। अरे समझा क्या? सब लोग इधर देखो। अच्छा, जो बेचारे हंस रहे थे और डर कर रहे थे, ऐसे बैठ गए। अरे मैं बोल रहा जनरली, बिला वजह नहीं हंसना मतलब, ठीक है। इधर देखो, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम अतिक्रमण इसको अपन यहां लिखते हैं, थोड़ा प्लेस का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
बाहर एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है। अब जरा ध्यान से देखिए, साइक्लिक है? है। अब आप सोचेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड आ गए, लेकिन बाहर वाला जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के लिए। बाहर वाला जो डबल बॉन्ड होता है ना, आपको बताएं, जो बाहर वाला डबल बॉन्ड होता है उसका नाम, उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? और जो अंदर की तरफ होता है ना उसको एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, मतलब तीन ही बॉन्ड है अंदर, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिक्स। बाहर वाला पाई बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, वो रेजोनेंस में हेल्प करेगा यहां जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो, लेकिन वो कॉन्जुगेशन का यानी रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये एरोमेटिक रहेगा कि सिक्स इलेक्ट्रॉन है और इसने आकर रेजोनेंस में हेल्प किया, समझा, कॉन्जुगेशन में हेल्प किया, इसलिए इसका नेचर क्या रहने वाला है यहां पर? एरोमेटिक। इसका नाम क्या जानते हैं आप? ट्रोपोलोन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन कीटोन है ना, ट्रोपोलोन। एक एग्जांपल बता दूं, बस एक एग्जांपल देख लो जरा ध्यान से। दो रिंग है, थोड़ा आपको बारीक नजर यूज करना पड़ेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहां पर आप मुझे ये बताइए, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में आने वाले हैं? टेन है। देखो यहां पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करने का, यहां पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करने का, तो दो बॉन्ड हो गए, ये तीसरा पाई बॉन्ड, ये चौथा पाई बॉन्ड, चार हो गए। इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे ना। कितने हो गए? पांच, मतलब टोटल टेन, और टेन बोले तो कौन? एरोमेटिक। और इसका नाम है प्यूरीन। क्या नाम है इसका? तो प्यूरीन होता है एरोमेटिक। समझा, थोड़ा कटेगा वो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में तो आ गया ना। तो ये एग्जाम्पल बेसिक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अब बाकी कोई भी एग्जाम्पल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। ओके, तो ये इसको आप लिखिए फटाफट, एक फोटो ले लो और